नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास एक जियो का मोबाइल आया हुआ है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों ये बार बार ऑन ऑफ होता है। दोस्तों ये ऑटोमेटिक ही ऑन होता है फिर ऑफ होता है। तो दोस्तों आज अपन इसको रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रिपेयरिंग करने से पहले इसको अपन खोल लेते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। देखिए दोस्तों अपन सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों अपन ने इसको बॉडी से बाहर निकाल लिया है। और दोस्तों अब इसकी जो पीसीबी है यानी कि दोस्तों इसकी जो मेन प्लेट है दोस्तों इसको भी अपन बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों बाहर निकालने के बाद में दोस्तों मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसकी जो खूंटे हैं दोस्तों बैटरी के, इनको अच्छे से आयरन की सहायता से रिसोल्डरिंग करने हैं। और उसके बाद में दोस्तों इसकी जो प्लेट है दोस्तों इसको बाहर निकालना है। और दोस्तों इसको हल्के से अपना पेट्रोल से इसको साफ करना है। तो दोस्तों अब सबसे पहले इस प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। और दोस्तों ये जो आईसियाँ हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये छोटी छोटी आईसी है, इनको अपने को पेट्रोल से अच्छे से क्लियर करना है। देखिए दोस्तों इसको अपने को अच्छे से क्लियर करना है। दोस्तों अगर आपके पास थिनर उपलब्ध है तो आप थिनर से कर लीजिए, और या फिर इसका दोस्तों इसका स्पेशल आता है दोस्तों क्लियर करने के लिए, दोस्तों क्लीन करने के लिए इस दोस्तों उसको एसीटोन बोलते हैं। और दोस्तों मेरे पास दोनों उपलब्ध नहीं है तो मैं इसका क्लियर करने के लिए दोस्तों इसको पेट्रोल का उपयोग कर रहा हूँ। दोस्तों आप भी पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से ब्रश अपन जो दोस्तों दांत साफ करते हैं उस ब्रश से इसको अच्छे से क्लियर करना है। देखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके बैक साइड से पेट्रोल की सहायता से क्लियर कर लिया है। और दोस्तों अब इसके जो कीपैड है दोस्तों कीपैड को बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद में दोस्तों इसको भी अपने को अच्छे से क्लियर करना है। देखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से क्लियर कर लिया है। और दोस्तों इसका जो पावर का स्विच है दोस्तों इसको इस तरह से हल्के हाथ से अपने को थोड़ा सा घिसना है। और घिसने के बाद में दोस्तों अपना जो कीपैड है दोस्तों इसको वापस लगा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा क्लियर कर लिया है पेट्रोल की सहायता से। और दोस्तों उसके बाद में दोस्तों ये जो बैटरी की खूंटे दिखाई दे रहे हैं इसको भी अपने को आयरन की सहायता से अच्छे से गर्म कर देना है। और दोस्तों इसके जो पॉइंट है दोस्तों इन तीनों पॉइंटों को अपने को इस तरह से रिसोल्डरिंग करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको पेट्रोल की सहायता से क्लियर कर लिया है। और इसके जो खूंटे हैं बैटरी के उनको भी अच्छे से साफ कर लिया है। तो दोस्तों अब अपना सारा काम हो गया है। अब दोस्तों इसको वापस इसकी प्लेट को वापस इसमें लगा देते हैं। देखिए दोस्तों इसकी जो प्लेट है दोस्तों इसको अपन ने वापस लगा दिया है। अब दोस्तों इसकी जो दूसरी प्लेट है इसको भी इसमें लगा देते हैं। अब दोस्तों इसमें बार बार स्विच ऑफ होने की और बार बार ऑन होने की इसमें समस्या नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको अपन ने वापस लगा दिया है। और अब इसको वापस अनपैक कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों आप भी इस तरह से अपने दोस्तों अगर आपका मोबाइल भी बार बार ऑन ऑफ होता है तो आप भी इस तरह से मोबाइल को ठीक कर सकते हैं बार बार ऑन ऑफ होने वाली समस्या को। देखिए दोस्तों मैंने इसको लगा दिया है। अब दोस्तों इसके अंदर बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना मोबाइल ऑन हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। धन्यवाद।